हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमरजीत सिंह, योर टीचर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। एंड आई एम हियर विथ अ पोएम, कीपिंग क्वाइट बाई पेब्लो नेरुडा फ्रॉम योर बुक फ्लेमिंगो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द पोएट Pablo Neruda. Pablo Neruda was born in 1904 and died in 1973, was the pen name and later legal name of this famous Chilean poet, diplomat, politician. Pablo Neruda जो ये नाम है ये इनका पेन नेम था, लेकिन बाद में चल के ये नाम जो था ये फेमस हो गया चिलियन पोइट के रूप में, एक डिप्लोमेट के रूप में, एक पॉलिटिशियन के रूप में। ही वॉज ओन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971 एंड ही गॉट नोबेल प्राइज एज वेल फॉर हिज वर्क इन लिटरेचर इन 1971। ही रोट इन ग्रीन इंक विच वॉज हिज पर्सनल सिम्बल। ही यूज टू राइट इन ग्रीन इंक विच इज हिज पर्सनल सिम्बल फॉर डिजायर एंड होप। इनका अपना निजी एक सिंबल है, ये आपका चिन्ह है डिजायर का, इच्छा का और होप आशा का। हिज राइटिंग्स आर सिंपल, इनकी राइटिंग जो है वो सिंपल है। वेयर इन लाइज ब्यूटी, और उसी में ब्यूटी निहित है। ओरिजिनली रिटन इन स्पेनिश द सेंस ऑफ हिज पोएम इज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन। हियर ओरिजिनली रिटन इन स्पेनिश द सेंस ऑफ द पोएम इज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन। दिस पोएम इज रिटन इन स्पेनिश लैंग्वेज बट द सेंस और समरी ऑफ द पोएम इज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन, इट मीन्स मेडिटेशन एंड रेट्रोस्पेक्शन मीन्स द एक्शन ऑफ लुकिंग बैक ऑन और रिव्यूइंग पास्ट। सो हम कह सकते हैं कि ये जो पोएम है इसका जो सेंस है वो बेस्ड है आत्मचिंतन पर, आत्ममंथन पर, और वापस जाकर के, पीछे जाकर के और अपने सिचुएशंस को देखने, देखना, समझना, वहीं आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन करना, इस पर ये जो पोएम है वो आधारित है। द पोएट फील्स दैट सम सोल सर्चिंग इज नीडेड। कवि महसूस करता है कि कुछ सोल सर्चिंग जो लोग हैं, द वन हु इज सर्चिंग सोल और वन हु वांट्स टू नो अबाउट हिज सोल इज नीडेड पीस विथ आवर सेल्फ एंड अदर्स एज वेल। मतलब कि उन्हें भी शांति चाहिए और दूसरों के लिए भी शांति चाहिए। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द टू द पॉपुलेशन। द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाई पेब्लो नेरुडा डिस्कसेस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस। हियर वी कैन सी दैट द पोएट डिस्कसेस द पोएम टू कीप इन माइंड दैट देर शुड बी पीस एंड साइलेंस और देर वी मे मेंटेन पीस एंड साइलेंस। और एक जरूरत है पीस और साइलेंस की, जिसे देखते हुए इस कवि ने इस पोएम का वर्णन किया है। ही स्ट्रेसेस अपॉन बीइंग क्वाइट एंड हार्मलेस टू द ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स एंड एनवायरमेंट। वह जोर देता है कि हम शांत रहें और किसी को क्षति न पहुंचाएं, चाहे वो मानव जाति हो, चाहे वो जानवर हो, या फिर एनवायरमेंट ही हमारा क्यों ना हो। जैसा कि हम देख पाते हैं कि अगर हम एनवायरमेंट को या किसी को भी क्षति पहुंचाते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि वी वर प्लेइंग विथ नेचर इन प्रीवियस ईयर्स डेट वी स्पेंट एंड वॉट हैपन यू कैन सी नाउ वी हैव टू पे फॉर दैट। सो हियर द पोएट ऑल्सो सेज दैट वी शुड बी हार्मलेस टूअर्ड्स ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड एनवायरमेंट एज वेल। ही सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड हारमोनी इट इज रिक्वायर टू स्टॉप एंड इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ। ये जरूरी है कि पीस और हारमोनी को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम रुकें और रुक करके अपने अंदर झांक करके देखें, चिंतन, आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें और देखें कि हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी विल सी राइम स्कीम ऑफ द पोयम। सो व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम। सो वी कैन सी हियर द पोयम इज इन फ्री वर्स। सो इन फ्री वर्स वी डोंट हैव एनी राइम स्कीम और एनी राइम और रिदम। It does not follow any rhyme scheme. Blank verse is poetry. What is blank verse? Then blank verse is poetry written with regular metrical but unrhymed lines. Regular metrical but unrhymed lines. Line जो होता है वो rhyme नहीं होता है, उसमें unrhymed होता है।
लेकिन जो उसका मीटर होता है वो रेगुलर होता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज इन आयामिक पेंटामीटर, और ये हमेशा आयामिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। देन व्हाट इज आयामिक पेंटामीटर? आयामिक पेंटामीटर इज अ लाइन ऑफ वर्स विथ 5 मेट्रिकल फीट, विथ 5 मेट्रिकल फीट ईच कंसिस्टिंग ऑफ वन शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स अनस्ट्रेस्ड सेलेबल फॉलोड बाई वन लॉन्ग स्ट्रेस्ड सेलेबल। आयामिक पेंटामीटर क्या होता है? 5 मेट्रिकल फीट होता है, यानी जो एक शॉर्ट यानी कि अनस्ट्रेस, और दूसरा क्या होगा? लॉन्ग यानी कि स्ट्रेस सेलेबल होगा, यानी कि एक सेलेबल जो हम पढ़ेंगे जो उस पर स्ट्रेस नहीं देंगे, और दूसरा जब सेलेबल पढ़ेंगे तो उस पर हम स्ट्रेस देंगे। तो ये होता है आयामिक पेंटामीटर, और आयामिक पेंटामीटर से मिलकर के ही ये बना होता है ब्लैंक वर्स, जिसमें कोई राइम नहीं होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी विल सी द स्टेंजा और वी विल एक्सप्लेन द, वी विल डिस्कस द स्टेंजा, व्हाट द स्टेंजा सेज हियर बाय द पोएट। Now, now we will count to 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. So now students, the explanation of the lines are, you can see here, the poet here requests everyone to count till 12. यहाँ कवि क्या करता है कि सब किसी को request करता है, वो उनसे अनुरोध करता है कि वो 12 गिनने तक गिने इन दियर ओन माइंड, अपने अपने दिमाग में, मतलब शांत होकर के 12 तक गिने, एंड टू स्टॉप फॉर ए वाइल, कुछ देर तक रुक जाए। मे बी दिस 12 रेफर्स बाय द पोएट इज द 12 आवर्स, ये 12 जो रेफर किया गया, हो सकता है कि ये 12 आवर्स यानी कि 12 घंटे को रेफर किया गया है इन द क्लॉक यानी कि घड़ी में, और 12 मंथ इन एन ईयर, और 12 महीने भी हो सकता है साल में। He wants everyone to stop and calm down. वो कहता है सबको कि रुक जाओ और शांत हो जाओ। The poet urges everyone not to speak any language. कहता है कि कोई भाषा मत बोलो, एकदम शांत चित होना चाहिए, कोई भाषा मत बोलो, कुछ मत करो, एकदम शांत हो जाओ। As we all know that, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि there are different languages spoken in different parts of the earth. कि अनेकों भाषाएं बोली जाती है अनेकों हिस्सों में पृथ्वी के, which sometimes become a barrier in our way for peace. जो कभी कभी हमारे शांति में बाधा बन जाती है। सो ही आस्क पीपल नॉट टू स्पीक, इसलिए वो कहता है लोगों से कि मत बोलो। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू अस टू स्टॉप मूविंग आवर आर्म्स, कहता है कि एकदम हाथ भी हिलाना बंद कर दें हम अपना, मतलब एकदम शांत हो जाए, एकदम शांत, लाइक ए स्टैच्यू। बाई यूजिंग द वर्ड आर्म ही मीन्स हियर इट इज मेटाफोरिकल, और हियर वी कैन सी वर्ड्स आर्म्स ही मीन्स द वेपन्स, वेपन्स विच आर यूज बाई डिफरेंट कंट्रीज टू रेज ए वार अगेंस्ट ईच अदर। वो कहता है कि ये जो है कि आर्म्स मीन्स युद्ध है ना, युद्ध को रोक दिया जाए, जो अलग अलग कंट्रीज युद्ध करती हैं हथियारों से, तो हथियार यहाँ आर्म्स मीन्स हियर वेपन्स, सो उसे क्या कर दिया जाए, वो भी रख दिया जाए, एक देश दूसरे देश से युद्ध न करें। सो बेसिकली द पोएट इज डिमांडिंग पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो पोएट क्या करता है, हम सभी से शांति की मांग करता है। नाउ वी कैन सी लिटरेरी डिवाइसेज, सो इन दिस वेरी स्टेंजा लिटरेरी डिवाइसेज आर एसोनेंस, एसोनेंस यूज ऑफ वोवेल साउंड ओ एंड ई। नाउ वी विल काउंट 12, नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। इन दिस वेरी लाइन वी कैन सी द साउंड ओ एंड ई, तो देन द साउंड ओ एंड ई इज एसोनेंस इन दिस स्टेंजा। एनाफोरा, एनाफोरा टू कंजेक्यूटिव लाइन्स स्टार्टिंग विथ द वर्ड लेट्स, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। सो दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड एनाफोरा। टू कंजेक्यूटिव लाइन्स स्टार्टिंग विथ वर्ड्स लेट्स, अगर दो लगातार लाइनें लेट्स से शुरू होती है तो उसको एनाफोरा कहा जाता है। Now we have alliteration. Alliteration, the repetition of the consonant sound at the start of two or more closely placed words. यानी कि दो या दो से अधिक नजदीक के शब्दों में जो consonant sound का repetition होता है उसे ही alliteration कहा जाता है। Like we will में देखिए W को क्या किया गया है कि repeat किया गया है, V में V, W और फिर will में W को repeat किया गया, तो ये क्या है, repetition, alliteration है। तो alliteration का प्रयोग किया गया इसमें, एनाफोरा का किया गया है और एसोनेंस का किया गया है। नाउ वी हैव सेकेंड स्टेंजा, इट वुड बी एन
exotic movement, without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Now, its explanation. Poet says that it would be a rare situation. यह एक दुर्लभ क्षण होगा when there will be no engines working, कि कोई इंजन काम नहीं कर रहा होगा. Here he wants to say that, यहाँ वो करना चाहता है कि if everything comes to a standstill, यानी कि एकदम संपूर्ण standstill means complete halt. So अगर हर चीज एकदम से रुक जाता है, it will be a very different moment. तो ये बहुत ही अलग क्षण होगा. If all the engines like the vehicles and machines stop, यदि सभी इंजन जैसे कि कोई व्हीकल गाड़ियां हैं मशीन से वो रुक जाती हैं, देन देयर विल बी अ सडन स्ट्रेंज सिचुएशन, तो एक अचानक और एक अजीब सा सिचुएशन होगा. एज द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस अ सडन कामनेस, जैसा कि दुनिया क्या करेगा कि एकाएक उसे शांति महसूस होगी. पीपल विल नॉट बी इन रश टू अचीव मेटेरियल थिंग्स, लोग भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए जल्दीबाजी नहीं करेंगे. वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक. फर्दर द पोएट सेज दैट, आगे कभी कहता है कि द फिशरमैन विल ऑल्सो स्टॉप एंड नॉट हार्म वेल्स इन द सी, मछुआरे भी रुक जाएंगे और वो भी मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे. दिस मीन्स, इसका अर्थ हुआ दैट कि द पोएट इज अर्जिंग एवरी वन नॉट टू हार्म द एनिमल्स. इसका मतलब ये है कि कवि हर किसी से अनुरोध करता है कि वो जानवरों को क्षति न पहुँचाए, उन्हें तकलीफ न पहुँचाए, उन्हें हार्म न पहुँचाए. हियर ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ वेल्स विच आर बींग हंटेड फॉर द पर्पज ऑफ फूड और ट्रेड. यहाँ पर कभी क्या करता है, उदाहरण देता है वेल्स का, जिसका उपयोग क्या किया जा रहा है कि उसका शिकार करने के लिए किया जा रहा है, भोजन के लिए और व्यवसाय के लिए. ही ऑल्सो वॉन्ट्स पीपल टू काम डाउन, ये वो कहता है लोगों से कि शांत हो जाओ, सो दैट ताकि दे कैन स्टॉप, ताकि वे रुक सके, एंड सी वाट दे हैव अचीव्ड और लॉस्ट, ताकि उन्हें पता चल पाए कि उन्होंने जो काम किया है, जो काम करते रहे हैं, उससे उन्हें क्या मिला है और उन्होंने क्या खोया है. फॉर दिस, इसके लिए ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द मैन हु गैदर साल्ट. इसके लिए वो क्या करता है कि एक उदाहरण देता है उस व्यक्ति का जो नमक बटोरता है. हुज हैंड्स आर हर्ट, जिसके हाथ में घाव हो गया होता है. हियर ही वॉन्ट्स एवरी वन टू स्टॉप फॉर ए वाइल इन ऑर्डर टू सी एंड फील दियर अचीवमेंट्स एंड हाउ मच दे हैव लॉस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग सच मेटेरियलिस्टिक थिंग्स. यहाँ वो कहता है कि हर कोई रुके और रुक करके देखे, ताकि वो देख सके अपने अचीवमेंट्स को, अपने उपलब्धियों को, कि वो क्या उपलब्ध किया है और क्या खोया है इस भौतिक चीजों को प्राप्त करने में. नाउ वी हैव लिटरेरी डिवाइसेज, एंड इन दिस स्टेंजा वी हैव लिटरेरी डिवाइसेज लाइक एलिटरेशन. वी वुड डब्ल्यू साउंड इज रिपीटेड, सडन स्ट्रेंजनेस एस साउंड इज ऑल्सो रिपीटेड हियर, हिज हर्ट हैंड्स एच साउंड इज रिपीटेड हियर एच एच एच. तो दिस इज द एग्जाम्पल एलिटरेशन. Now we have third stanza. In this poem there are five stanzas. The poem is divided in five stanzas, and we will discuss the stanza one by one and try to understand the meaning, what the poet wants to convey to us. So let's see the third stanza. The third stanza reads like this: those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. Now its explanation. You can see the poet asks everyone to stop those activities which are demanding the environment. The poet asks everyone to stop those activities which are damaging the environment. ये कहता है poet कि आप वो सभी activities को रोक दीजिए जिससे कि वातावरण को खतरा हो रहा है, वातावरण जो है हमारा उसको अगर खतरा है, उससे क्षति पहुंच रही है, तो उसको छोड़ दें, उस activities को ना करें. Today all the human beings are making money by damaging the environment with their activities such as mining, deforestation, letting the chemical waste into rivers, etc. यानी कि आजकल जितने लोग हैं वो पैसे कमा रहे हैं, कैसे, तो माइनिंग करके, ऐसे मतलब कि इन्वायरमेंट के साथ को बर्बाद करके, जैसे माइनिंग यानी खदानों से, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई करके, लेटिंग द केमिकल वेस्ट इनटू रिवर्स यानी कि नदियों में केमिकल को बहा करके. तो
तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ खेल रहे हैं, उसे बर्बाद कर रहे हैं। द पोएट आस्क्स अस नॉट टू डू सो, कभी कहता है कि ऐसा ना करें। आप देख सकते हैं अभी इन्वायरमेंट के साथ खेलने का ही नतीजा है ये कोरोना हमारा। तो इसलिए ये जो भी चीज़ें आती हैं वो उसी के साथ खेलने का नतीजा होता है, यानी कि जो प्रकृति है वो किसी को छोड़ती नहीं है। अगर आप उसके साथ बुरा करेंगे तो वो बुरा करेगी ही। इसलिए आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, अपने इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ ना करें, उसको डैमेज ना करें, क्योंकि हमें अपने जनरेशन को भी तो कुछ देना है। क्या कहेंगे हमारे जनरेशन वाले, वो ऐसा हम करके जाएं ताकि वो हमारी प्रशंसा करें। दे शुड प्रेज अस नॉट एब्यूज अस। सो वी शुड डू सच वर्क सो दैट द नेक्स्ट जनरेशन और द कमिंग जनरेशन विल फील प्राउड ऑन अस। ही ऑल्सो रिक्वेस्ट पीपल नॉट टू इन्वॉल्व इन वार्स एज देयर इज नो बेनिफिट ऑफ अचीविंग सच विक्ट्री इन विच नो वन इज लेफ्ट अलाइव। करें कि वो ये भी रिक्वेस्ट करता है लोगों से कि युद्ध में मत पड़िए आप लोग, युद्ध को छोड़ दीजिए, युद्ध करना बेकार है, क्योंकि युद्ध में क्षतियाँ होती हैं। युद्ध कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई कह सकता है कि मुझे लाभ हुआ और दूसरे को क्षति हुई। युद्ध में क्षति दोनों की होती है, अब कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन क्षति दोनों की होती है, उसमें जाने दोनों की जाती है जो युद्ध करते हैं। तो एज देर इज नो बेनिफिट ऑफ रिसीविंग सच विक्ट्री, ऐसे प्रकार की विजय को प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं रहता है, कोई औचित्य नहीं रहता है। इन विच नो वन इज लेफ्ट अलाइव, जिसमें कोई जिंदा ना बचे। ही सेज सो वह इसलिए ऐसा कहता है बिकॉज वार्स एंड इन्वायरमेंटल डैमेज विल लीड टू नो लाइफ ऑन अर्थ। कह रहे कि अगर युद्ध करेंगे हम और इस प्रकार से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कोई इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेगा। रैदर ही वांट्स पीपल टू एडॉप्ट ए न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, ये बल्कि वो कहता है लोगों से कि एक नया अप्रोच जो है जीवन का, उसके प्रति हम बढ़ें, उसको अपनाएं, और वो है मैनकाइंड यानी कि मानवता। ही सेज दैट, वो कहता है कि यू शुड ट्रीट योर एनिमी लाइक ब्रदर्स एंड प्रमोट पीस एंड हारमोनी इन द वर्ल्ड। अपने एनिमी को आप भाई की तरह माने और हारमोनी को और पीस को यानी कि खुशहाली को और शांति को दुनिया में फैलाएं। यही दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका है और जरिया है जिससे हम दुनिया को बचा सकते हैं और समृद्धशाली शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नाउ लिटरेरी डिवाइसेज, इलिट्रेशन वार्स विथ डब्ल्यू साउंड इज रिपीटेड हियर, क्लोथ्स क्लीन क्लोथ सी साउंड इज रिपीटेड एंड एसोनेंस यूज ऑफ वोवेल ओ विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स। सो दिस इज द वेयर द साउंड वोवेल साउंड ओ इज सीन दैट दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस एंड नाउ रिपीटेशन यूज ऑफ वार इज ऑल्सो रिपीटेशन। सो इन नेक्स्ट वीडियो और इन कमिंग वीडियो आई विल मेक अ वीडियो ऑन लिटरेरी डिवाइसेज एज वेल एंड देयर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वाट द लिटरेरी डिवाइसेज मीन। सो नाउ द फोर्थ एस्टेंजा, फोर्थ एस्टेंजा, वी इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। नाउ इट्स एक्सप्लेनेशन, नाउ द पोएट वॉन्ट्स टू क्लियरिफाई टू हिज रीडर्स। अब पोएट क्या करता है, अपने पाठकों को स्पष्ट करना चाहता है दैट कि वेन ही आस्क देम टू स्टॉप फ्रॉम सेइंग और डूइंग एनीथिंग, कि वह जब रोकता है किसी चीज़ को करने से या कहने से, ही डजंट वॉन्ट एनी वन टू बिकम ए नॉन एक्टिव पर्सन। तो ये नहीं कह रहा है कि आप कुछ मत करिए, एकदम नॉन एक्टिव बन जाइए, आप इनएक्टिव बन जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन एक्टिव इज ए पर्सन हु रिमेन्स आइडल। नॉन एक्टिव वह व्यक्ति होता है जो आलस से भरा होता है एंड डज नॉट डू एनीथिंग, और कुछ नहीं करता है। हियर ही सिंपली मीन्स दैट, यहाँ उसके कहने का मतलब है कि वी शुड स्टॉप एंड सी द कंसिक्वेंसेज ऑफ आवर डीड्स, हमें रुकना है और रुक करके देखना है कि हमारे डीड मतलब कार्यों के परिणाम क्या है। द पोएट डज नॉट वॉन्ट टू सी पीपल बींग किल्ड ड्यू टू दियर ग्रीड फॉर मनी एंड एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज। अरे कि यहाँ कभी नहीं चाहता है कि पैसे की लालच में और अपने राज्य को बढ़ाने की लालच में आप लोगों को मारें, ऐसा कभी नहीं चाहता है। फर्दर इसके अलावा ही सेज दैट, वो कहता है कि पीपल आर, इसके आगे वो कहता है कि पीपल आर कंटिन्यूअसली वर्किंग टू अचीव दियर टास्क विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट दियर रिजल्ट। लोग क्या कर रहे हैं, लगातार अपने टास्क को टू अचीव दियर, अपने काम को पाने के लिए, अपने अपने जो डिजायर से उसको उसकी प्राप्ति के लिए बिना सोचे समझे, बिना परिणाम की चिंता के कार्य कर रहे हैं। दे आर इन फियर ऑफ डेथ
वे मौत के भय में हैं एंड देयर फोर वॉन्ट टू अचीव मोस्ट ऑफ द थिंग्स बिफोर दियर डेथ, और वे चाहते हैं कि मौत के पहले हम सब कुछ बटोर लें, सब कुछ प्राप्त कर लें। और आप जानते हैं कि डेथ इज इटर्नल एंड इट इज ट्रूथ, बिटर ट्रूथ दैट वन हु हैज टेकन बर्थ इन दिस वर्ल्ड और हु इज बॉर्न इन दिस वर्ल्ड विल डाई वन डे, नो वन कैन एस्केप फ्रॉम डेथ। सो इट्स यूजलेस टू थिंक अबाउट डेथ, एंड इफ यू एक्यूमुलेट मैनी थिंग्स बाई डूइंग रॉन्ग डीड्स, बाई डूइंग रॉन्ग वर्क, देन वट वी कैन टेक फ्रॉम हियर, नथिंग, वी विल गो एम्प्टी हैंडेड वेन वी डाई। सो इट्स फ्यूटाइल थिंग टू टेम ग्रीड, टू डू ग्रीड एंड डू इलीगल और वी कैन सी रॉन्ग डीड्स, वी शुड अवॉइड इट। सो हियर द पोएट सेज दैट हियर ही अर्जेज देम टू स्टॉप फॉर अ वाइल, वो कहता है कि थोड़ी देर रुको एंड टेक सम मोमेंट टू रिलीज ऑन वॉट दे हैव अचीव टिल नाउ, और कहता है कि सोचो, उसको सोचो, चिंतन करो कि अभी तक तुमने जो भी प्राप्त किया है वो कैसे किया है। एवरी वन हियर इज लिविंग ए लाइफ इन विच ही वॉन्ट्स टू अचीव वेरियस थिंग्स वन आफ्टर अनदर, हर कोई आया वो जीवन जी रहा है जिसमें वो चाहता है कि एक एक करके वो ये मतलब कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये एंड सो ऑन चीजें वो क्या करे कि बटोरता रहे, उसे वो क्या करे कि इकट्ठा करता रहे। बट नाउ द पोएट सेज इट इज द टाइम टू स्टॉप एंड सी व्हाट हैज बीन अचीव्ड एंड शुड बी एंजॉयड, लेकिन कभी कहता है कि अब समय है कि रुके और रुक करके देखे कि उसने क्या अचीव किया है और उसे क्या इंजॉय करना चाहिए। दिस विल हेल्प अस एस्केप द सैडनेस, इससे हमें उदासी से जीतने में सफलता प्राप्त होगी, हम उदासी से उबर जाएंगे, विच हैज बिकम सो प्रोमिनेंट इन आवर लाइफ, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ी चीज हो गई है। द सैडनेस ऑफ नॉट इंजॉइंग वॉट वी हैव अचीव्ड, वो सैडनेस जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है उसका आनंद नहीं लेने का, एंड द ग्रीड टू अचीव वॉट नेक्स्ट इज इन लिस्ट टू बी अचीव्ड, और लालच है हमारा कि आगे हमारे लिस्ट में क्या है प्राप्त करना, यानी कि जो हम छोटे छोटे चीज़ों से खुश नहीं हो रहे हैं, हमारे पास जितना भी आ रहा है हम चाहते हैं कि और आए और ये बाकी है, तो मर जाएंगे और वो इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए कभी कहता है कि रुको और रुक करके जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी से संतुष्ट हो जाओ और उसी को इंजॉय करो। नेक्स्ट वी हैव लिटरेरी डिवाइस सेज एल्ट्रेशन, वी वर सो सिंगल माइंडेड, सो हियर वी हैव एल्ट्रेशन, एग्जाम्पल ऑफ एल्ट्रेशन, इंजेम्बलमेंट एंड फॉर वंस कुड परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस ऑफ रिटेनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंजेम्बलमेंट। एंड नाउ वी हैव द लास्ट स्टेंजा, फिफ्थ स्टेंजा, एंड लेट्स सी हाउ द पोएट कंक्लूड्स द पोएम। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. So here the explanation is, so now the poet suggests to the human beings that we should learn a lesson from earth. अब कभी कहता है यहाँ मानव से कि हमें एक सबक सीखना चाहिए पृथ्वी से। During the winter, everything freezes. Winter में हर चीज जम जाता है एंड बिकम्स लाइफलेस और वो जीवन विहीन हो जाता है। बट वेन सीजन चेंजेज, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है एंड इट्स द वन सेट ऑफ स्प्रिंग सीजन, और एक बार जब स्प्रिंग सीजन आ जाता है, एवरीथिंग प्रेजेंट इन द नेचर सच एज ट्रीज, बर्ड्स, रिवर्स, इट्स सी गेट्स लाइफ, तो जितनी भी चीजें हैं प्रकृति में, जैसे पेड़ है, चिड़िया है, नदियाँ हैं और सो ऑन, ये चीजें हैं, उन्हें जीवन मिल जाता है। सो हियर, इसलिए यहाँ द पोएट बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ नेचर, यहाँ पोएट नेचर के एग्जांपल देते हुए वांट्स टू से दैट, कहना चाहता है कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स शुड स्टॉप एंड ट्राई टू जज देयर डीड्स, उन्हें रुकना चाहिए और अपने कर्मों को देखना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए, उसका जजमेंट करना चाहिए। दे कैन ट्राई एंड मेक देयर लाइफ बेटर, वे कोशिश कर सकते हैं, वे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं विथ कामनेस एंड पीस, शांति से। फाइनली अंत में ही एंड्स अप बाय सेइंग दैट, वो अपना वक्तव्य समाप्त करता है, अपने बातों को समाप्त करता है यह कहते हुए कि हाउ ही विल काउंट अप टू 12 सो दैट, सॉरी नाउ ही विल काउंट अप टू
अप टू 12, अब वो 12 तक गिनेगा ताकि वी ऑल मे बिकम क्वाइट, ताकि हम सभी शांत हो जाएं, खामोश हो जाएं। हियर क्वाइट मीन्स टू काम डाउन आवर सेल्फ एंड मूव टुवर्ड द पाथ ऑफ पीस एंड हारमोनी, अपने आप को शांत कर लेना और खुशी और शांति के रास्ते की तरफ बढ़ना। आफ्टर सेइंग दिस, यह कह करके ही सेज, वो कहता है आई विल गो, ही सेज सो, वह इसलिए ऐसा कहता है एज ही हैज कन्वेड दिस मैसेज, कि उसने अपने मैसेज को दे दिया है टू द पीपल, लोगों को, एंड वांट्स देम टू बी लेफ्ट अलोन टू थिंक अबाउट इट, और चाहता है कि वो अब क्या करे, इसे अकेले सोचे, तो आप भी इसे अकेले सोचें एंड वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ पीस, और शांति की तरफ कार्य करें। सो द स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट, एंड आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस पोयम वेरी वेल, एंड आफ्टर अंडरस्टैंड, व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस पोयम, राइट द समरी ऑफ द पोयम in your own words, and I will meet in next video. Thank you for watching.